गुजरात के आनंद में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक चलती बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि बस में यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद पूरी बस देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गई। बस में आग इतनी तेजी से फैली कि उससे निकलती लपटों को कई किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था, जबकि आग से निकले धुएं के काले गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। घटना के समय बस में 56 यात्री सवार थे, जो आग लगते ही बस से बाहर निकल आए। इस दौरान कुछ लोग बस में रखे अपने सामान को निकालते भी दिखे। आग लगने की वजह से वहां से गुजरने वाली दूसरी गाड़ियों को भी रुकना पड़ा, जिससे वहां लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आने लगी। इस बीच दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। बताया गया कि ये बस आनंद से मुंबई जा रही थी। रक्तदान जीवन दान है, लेकिन भारत में खून की भारी कमी है, जिसकी वजह से भारत में हर छठे मिनट में एक आदमी की मौत हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 56% लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक रक्तदान नहीं किया है। हालांकि इसकी बड़ी वजह जागरूकता और जरूरी साधनों की कमी को बताया गया है। लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 14 राज्यों के 76 जिलों में अब भी कोई ब्लड बैंक नहीं है। इतना ही नहीं, भारत में 8 लाख लीटर से ज्यादा खून की कमी है और जरूरी सुविधाएं नहीं होने की वजह से हर साल करीब 5 लाख लीटर से ज्यादा खून बर्बाद हो जाता है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक यूनिट ब्लड में 450 मिलीलीटर खून होता है, इससे 3 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। पंजाब के लुधियाना की अगर बात की जाए तो वहां एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि इसने कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और वहां से ऊंची ऊंची आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिनमें से कुछ लोग वहां आ रहे वाहनों को सावधानी से गुजरने का इशारा करते दिखाई दिए। वहीं जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग से गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया। कबाड़ दे गोदाम नू आग लगी है, सी 6 गड्डियां लेके इत्थे पहुंचे हैं ते आग ते काबू पाया हवा। उत्तर प्रदेश के